हॉट न्यूज इंडिया टीवी। विश्व मुस्लिम भाईचारे की तरफों एक सदी पहला इस्लाम चो कढे गए जमाते कादिया अहमदिया दे समर्थन च केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दे बयान ते देश भर दे मुसलमाना च गुस्से की लहर दौड़ गई है। पंजाब दे मुसलमाना दे मुख धार्मिक केंद्र जामा मस्जिद लुधियाना दे बाहर सैकड़े मुसलमाना ने इस्त्री ते बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी दा पुतला साड़ के जबरदस्त रोस प्रदर्शन किया है। इस मौके मजलिस अहरार इस्लाम दे कौमी प्रधान ते पंजाब दे शाही इमाम मौलाना मुहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने कहा कि आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड दा बहाना ला के कादियानी जमात दी हमायत दा ऐलान करन वाले केंद्रीय मंत्री अफसोसजनक ने, पर ए भी सिद्धा इस्लाम धर्म विच दखल अंदाजी है जिस नूं भारतीय मुसलमान कदे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हॉट न्यूज इंडिया टीवी दे लिए रजिंदर अरोड़ा दी रिपोर्ट। आज दी जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है साड़ी जी केंद्रीय माइनोरिटीज़ की मिनिस्टर ने स्मृता ईरानी जी उन्होंने एक बयान दिता पिछले हफ्ते आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने कादियानियों कोई सहूलत देते कोई चिट्ठी लिखी होनी कि असी नहीं दे सकते, तो उन्होंने बयान दिता कि वक्फ बोर्ड को अधिकार नहीं है कि वह कादियानियों जमात अहमदिया इस्लाम धर्म चो बाहर कर दे। तो पहली गल तो मैं मंत्री जी ने याद दिलाना चाहना कि वक्फ बोर्ड कोई इस्लाम का ठेकेदार इदारा नहीं है। ये गल तय करनी कि केड़ा बंदा इस्लाम च है केड़ा नहीं है, ये कुरान शरीफ हजरत मुहम्मद साहब की सिक्ख्या तो तय होगी। तो वक्फ बोर्ड भावें हक च लिखे जाए खिलाफ लिखे वो नहीं आधार। कादियानी जमात जी है वो 100 साल पहला इस्लाम तो बाहर कढ़ी जा चुकी है, तो तुहाडे कहण नाल तुहाडे कोई पावर नहीं है, कोई अधिकार नहीं कि तुम अज कह लग पाओ जी कादियानियों को मुसलमान मान लो। पूरी क्यों मुसलमान नहीं मैं दी थोड़ी जी तेरे सामने व्याख्या कर दूँ। सियासी तौर पर पहला समझ लो, एक बंदा वो कहे कि मैं भाजपा का मैंबर हाँ अहदेदार हाँ और कहे कि मैं तेरी नीतियाँ नहीं मनूंगा तेरे सिद्धांतों नहीं मनूंगा तो पार्टी उन्होंने रखूगी? कोई भी पार्टी हो भाजपा कांग्रेस अकाली दल वो कहो यार तू साढ़े सिद्धांत नहीं मानता चल पार्टी चो बाहर। इसी तरह जी जमात अहमदिया कादियान है ये आज तो 100 साल पहला अंग्रेज़ के कहने बनी, इन्होंने जोड़ा इस्लाम का मूल सिद्धांत है एक खुदा की इबादत के नाल सिर्फ एक मुहम्मद सल्ला सलम जे साढ़े आखिरी नबी ने उन्होंने अल्लाह का आखिरी रसूल मनना उस सिद्धांत तो इनकार किया और एक झूठे आदमी मिर्जा गुलाम कादियानी झूठा नबी बना के पेश किया। उदों पूरी दुनिया के मुसलमानों ने इन्हों इस्लाम तो खारिज कर दिता। फिर एक कौन हो सकता है कि आज 100 साल बाद एक मंत्री कहे कि नहीं जी इन्हों मुसलमान समझिया जाए। इसलिए इस गल नोट कर लिता जाए कि जेड़ा भी बंदा इस्लाम के मूल सिद्धांतों नहीं मानता वो मुसलमान नहीं कहलाया जा सकता। और कादियानिया का पिछोकड़ स्मृता ईरानी जी को पूछना चाहिए सगा। मैं समझता हाँ कि एडे वे अहदे पर जोड़ा बंदा होवे कोई भी छोटी गल ना करे। कादियानिया का पिछोकड़ यह है कि 1888 जो भारत की जंग आजादी सर्व धर्मां के लोग लड़ रहे थे मुसलमान भी बड़ी तादाद च सी, अंग्रेज़ों ने मुसलमानों आज़ादी तो पिछे हटाने लई मिसाल के तौर पर आप इतने बैठे गल करते थोड़े जो किसी फोन आए कि घर आ गल हो गई तो आप इतने आपस तुम मेरे गल करोगे घर जाऊँगे तुम इस काम को छड़ के घर जाऊँगे। कादियानिया ने अंग्रेज़ों के कहते एक फितना शुरू किया कि हजरत मुहम्मद साहब की जगह मिर्जे नू नबी बना के पेश किया। उन्होंने ये आइडिया से अंग्रेज़ों का कि अगर मिर्जे नू ले आवेंगे तो मुसलमान आज़ादी की लड़ाई तो पिछे हटनगे अपने घर की अग बुझाने लई चले जाएंगे। यही होया उन्होंने मिर्जे नू नबी बना के पेश किया, मुसलमान आज़ादी की लड़ाई तो 50% पिछे हटिया। उन्होंने पिछे लग गया कि तुम झूठ बोल रहे हो तो आज़ादी की जिहड़ी जंग है वो धीमी हो गई, देश की गुलामी 50 साल होर बढ़ गई। स्मृता ईरानी जी जिन्हों की तुम हिमायत करते हो उन्होंने अंग्रेज़ के हक च किताबा लिखिया, उन्होंने अंग्रेज़ दिया मुखबरियां कीतियां, उन्होंने जंगे आज़ादी लड़न वाले फांसी के तख्ते तक पहुँचाया, उन्होंने अंग्रेज़ के हक च इश्तहार कटे और उन्होंने जोड़ा गुरु कंटाल सी वो इतने तक कहता सी कि मैं 50 अलमारियां भर जान इन्ने इश्तहार अंग्रेज़ों के हक च लिखते। वो ये कहते हैं कि अंग्रेज़ों का साथ दो आज़ादी की जरूरत नहीं है, तुसी ऐसे देश द्रोहियों की हिमायत के भारत के मुसलमानों का दिल दुखाया
हूँ आ जाओ सियासी तरीके नाल भी मोहतरमा मंत्री साहब थोनू मैं एक गल समझा देव पिछले दिन साढ़े माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक तकरीर दे विच किया कि भारत दे विच जिहड़े मुसलमान ने 20 करोड़ उन्हां च 70% मुसलमान पसमानदा है। पसमानदा कईआं नूं समझ नहीं आया, मैं समझा दिना पसमानदा आपां नूं कहने जिहड़े गरीबी रेखा तो थले ने या जिन्हां दे नाल कोई छुआछुआत हुई। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि असी उन्हां नूं छाती नाल लाना है। तो मैं मंत्री साहब नूं दसना चाहुंदा कि वह जिहड़े 70% जिन्हां नूं तुसीं पसमानदा कहने हो असी नहीं, वह भी 30% दूजे भी ये जिहड़े मुसलमान ने भारत दे विच साडा गरीब बच्चा साडा अमीर आदमी साडा रेहड़ी वाला रिक्शे वाला साडा झाड़ू मारन वाला साथी साडा सफाई करने वाला साथी और साडा ऐसा गरीब आदमी जिहदे कोल रोज़गार भी नहीं और ऐसा गरीब आदमी जो हाथ की कमाई करता है, कोई भी मुसलमान जिहड़ा मर्जी किरत करता हो अगर तुसीं उन्हूं जाके कहोगे कि प्यारे मुहम्मद की जगह सरसलम की जगह किसी होर नूं ले आईए तो क्यामत तक मंजूर नहीं करूँगा। तुसीं सिर्फ गिनती दे 2-4 लाख कादियानियां नूं खुश करन लई भारत दे 20 करोड़ मुसलमानां दा दिल दुखाया है। इसलिए सियासी तौर पर सलाह तो कर लेंदे कि ये पसमानदा मुसलमानां दी वोट चाहिए है या कल्ले 5000 कादियानियां दी चाहिए, ये भी सियासी तौर पर तुहानूं तय करना चाहिए। नहीं, जो स्मृता ईरानी की टिप्पणी है मैं समझदा कि बिल्कुल ही अपनी सरकार नूं खुश करन दे चक्कर च उन्होंने सरकार का नुकसान किया, उन्होंने सरकार के सिद्धांतों के नाल नुकसान किया। उन्होंने घट्टो घट सरकार नूं पुछना चाहिए सी कि जब पूरी दुनिया के मुसलमान कादियानी नूं मुसलमान नहीं मानते, मुसलमानों के जिहड़े फिरके ने दियोबंदी बरेलवी शिया सुन्नी ये सारे इस गल ते एक मत ने कि कादियानी मुसलमान नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान हज करन जा सकते कादियानी हज करन नहीं जा सकते, उन्हां दी एंट्री उत्थे बंद है, वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। तो मंत्री जी ने पूछा ही नहीं, घट्टो घट उन्होंने अपनी वजारत में ही पूछना चाहिए सी कि मैं की करन लगी हाँ। तो मैं प्रधानमंत्री जी ने अपील करना चाहना कि मंत्री साहबा ने जिहड़ा करोड़ों मुसलमानों का दिल दुखाया बकायदा पूछ होनी चाहिए, पूछना चाहिए भी की वजह है, तुम कि कहने के उत्ते काम जो किया। तो बिल्कुल आई बस अहदे के चक्कर देखो नाल नाल उन्होंने यही कहना चाहना कि वह बड़े रिस्पैक्टेबल अहदे ने, बहुत बड़ा वजीर होना केंद्र सरकार का कोई छोटी बात नहीं है। तुसी अगर माइनोरिटी की मंत्री हो तो महिला विकास मंत्री भी हो, सिर्फ तुहानू कादियानियां की साजिश याद आ गई, मणिपुर की बेटियां तुहानू चंगी तरह समय से याद नहीं आई, इसलिए अपनी जिम्मेदारी चंगी तरह निभा। हाँ बिल्कुल, ये भी समझ सकते हैं कि उन्हें कन्वर्ट करने के लिए हो सकता है कि स्मृता ईरानी जी ने सोचा हो, लेकिन मैं समझदा कि प्रधानमंत्री जी का जिहड़ा मिशन है जो कह रहे बार बार कि जी असी पसमानदा मुसलमानों नूं नाल लैना तो स्मृता ईरानी का बिल्कुल वो ओपोजिट है, वो जोड़ना चाहते ने लोगों नूं मुसलमानों नूं अपने नाल, मुसलमानों नूं भाजपा के नालों तोड़न वाला काम जो